हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्दर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन एलिमेंट एक्स हैज 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एक एटॉमिक नंबर होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13। एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका एलिमेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल शॉर्टकट में बोलते हैं, सिंबल होता है एल्यूमिनियम एल। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलेंसी। द वैलेंसी निकालने के लिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट 2, 8 और 3। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3rd है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, 3 वैलेंसी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द फिगर अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड बैलेंसी ऑफ द एटम एक्स वाई जेड। एक्स है, वाई है, जेड है, तीन दिया गया है। तो इसका हमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर और बैलेंसी नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे तो मैंने रख दिया एक्स वाई और जेड, और फर्स्ट हमको बताना है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर, मास नंबर, देन वैलेंसी, देन वैलेंसी। तो एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 5। तो एटॉमिक नंबर एक्स का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या 8, तो वाई में हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 15। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर आ गया। अब कह रहे हैं मास नंबर, तो मास नंबर होता है, मास नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, नंबर न्यूट्रॉन 6 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 5 11, मास नंबर 11। 10 प्लस 8 18, 15 प्लस 16 31। तो x का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, y का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 18, z का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। अब करें वैलेंसी, तो इस डायग्राम से हमको वैलेंसी बताना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, तो आउटर मोस्ट सेल देखेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये डिनोट इंडिकेट क्या करता है इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, यानी x का वैलेंसी कितना जाएगा 3। इस आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे 8 माइनस 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा वैलेंसी 2। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका जेड का वैलेंसी कितना आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, करेंगे एन एलिमेंट विद द मास नंबर, मास नंबर हैज, मास नंबर हैज 31.7% मोर देन, मास नंबर क्वेश्चन में गिवन है कितना 81, ये है 81। एन एलिमेंट विथ अ मास नंबर 81 हैज 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन जो है इतना ग्रेटर है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो हमको मास नंबर दिया है, तो मास नंबर बराबर क्या होता है, मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और मास नंबर 81, 81 इक्वल टू n प्लस c, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल।
मास नंबर 81 दिया है और मास नंबर पर होता न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 81 रख देंगे, तो 81 इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वेशन नंबर 1 करा है। इट हैज 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को अगर हम एक्स मान लेते हैं, सब कुछ करिए, प्रोटॉन को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्स का कितना का रहा है परसेंटेज, एक्स का एक्स प्लस एक्स का कितना, 31.7%। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 31.7% जब हटाते हैं तो अपन में कितना जाता है 100। यहाँ पे एक्स 1 + डेसिमल दे दिए, पॉइंट यहाँ पे ऊपर ले जाइए 100 को, तो 0.317 आ जाएगा, डेसिमल 2 शिफ्ट आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.317x। तो न्यूट्रॉन हमारे पास इतना आ गया, प्रोटॉन x है, इक्वेशन नंबर 1 में नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रख देंगे, यानी पी प्रोटॉन फॉर पी न्यूट्रॉन फॉर एन, देयरफॉर 81 प्लस न्यूट्रॉन के जगह कितना रखेंगे 1317x, प्रोटॉन के जगह x। तो हम क्या करते हैं, 81 यही रखते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो 1.317 + 1 आ जाएगा, 81 इक्वल टू x ऐड कर देंगे 2.317, x बराबर कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 2.317। इसको सॉल्व करेंगे तो 34.96 आएगा, इसको लिख सकते हैं 35। तो क्वेश्चन में करें कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर कितना है 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।